वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्विटर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन SCF एंड LCM। कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फर्स्ट रिलेशन है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। ओके, चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया होगा, find the SCF of two numbers when product of the two numbers is 1728 and LCM is 144। हमें LCM दिया है और क्या दिया है, product of two numbers दिया है। हमें क्या निकालना है, SCF find out करना है। तो देखिए इस formula के according SCF क्या हो जाएगा हमारा, SCF हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें कितना दिया है, 1728, एंड LCM कितना दिया हमें, 144। जब हम 1728 को 144 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 टाइम डिवाइड्स। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं और यही क्या निकल के आ जाएगा हमारा, SCF। ओके, तो देखा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा क्योंकि इस फॉर्मूले पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट रिलेशन हम देखते हैं। देखिए यही चीज़ जो हमारा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसी को कैसे लिख दिया, दो अलग अलग नंबर्स के फॉर्म में, नंबर वन एंड नंबर टू इज इक्वल टू नंबर वन इंटू नंबर टू इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। ओके, इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर वन निकाल सकते हैं जब हमें नंबर टू दिया हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर वन इज इक्वल टू SCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय नंबर टू। सिमिलरली अगर हमें सेकेंड वाला नंबर दिया और फर्स्ट वाला फाइंड आउट करना है तो कैसे फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर टू इज इक्वल टू SCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई नंबर वन। और अगर हमें दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हो या दोनों नंबर दिए हों और साथ में LCM दिया हो, तो हम SCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SCF इज इक्वल टू नंबर वन इंटू नंबर टू डिवाइडेड बाई LCM। और अगर हमें SCF दिया हो और हमें क्या निकालना हो, LCM फाइंड आउट करना हो और दोनों नंबर्स दिए हों, तब क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, LCM इज इक्वल टू नंबर वन इंटू नंबर टू डिवाइडेड बाय SCF। चलिए अब इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द SCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर LCM इज 7700। ओके, इफ वन ऑफ द नंबर इज 275 देन फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर दिया है हमें, SCF दिया है एंड LCM दिया है, सेकंड वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूशन बनाते हैं हम इसका। क्या क्या दिया है हमें, SCF दिया है कितना, 11, LCM दिया है कितना दिया है, 7700, एंड एक नंबर दिया है हमें, मान लीजिए हमने इसे नंबर वन मान लिया, ये कितना दिया हमें, 275। सो हमने फॉर्मूला देखा था क्या, नंबर वन इंटू नंबर टू इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। तो यहाँ से नंबर टू क्या हो गया हमारा, SCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय नंबर वन। ओके, सो नंबर टू इज इक्वल टू SCF कितना है, 11, LCM कितना है, 7700, एंड नंबर वन कितना है, 275। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 से करते हैं, 11 2 20 22 एंड 5 बचेगा तो 5 टाइम्स चल जाएगा 55, एंड 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 308। यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, नंबर टू। ओके, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ टू नंबर्स आर 148 एंड 185 रिस्पेक्टिवली
एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर आर 740, देन फाइंड द एलसीएफ ऑफ द नंबर्स. हमें दो नंबर्स दिए हैं और उनका क्या दिया है, एलसीएम दिया है. हमें क्या निकालना है, एचसीएफ. देखिए अभी हमने देखा था, सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर्मूला देखा था हमने, नंबर दिए हैं. तो नंबर वन हमें कितना दिया है, 148. नंबर टू हमें दिया है 185. एंड एलसीएम कितना दिया है, 740. तो एचसीएफ बराबर से क्या हो जाएगा, नंबर वन इंटू नंबर टू डिवाइडेड बाय एलसीएम. ओके, देखिए क्या हो जाएगा, 148 इंटू 185 डिवाइडेड बाय 740. ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 37 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 148 टाइम्स. 148 से 148 कैंसिल, हमें क्या मिला, 37. और यही क्या हमारा एचसीएफ है. ओके, तो इन चार फॉर्मूले पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में. तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये उतना ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर हमें एलसीएम निकालना है किसका, फ्रैक्शनल वैल्यू का. देख मीन्स हमें क्वेश्चन दिया है, जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे 1/2 हुई, 1/3, 4/5, इस तरीके से अगर हमें वैल्यूज़ दिए हैं, नंबर्स दिए हैं जिनका हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालते हैं. देखिए एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर. दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं ऊपर, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम, डिवाइडेड बाय जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उनका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ. ओके, ये हमारे एलसीएम का फॉर्मूला होता है. सिमिलरली एचसीएफ का क्या होता है, एचसीएफ बराबर से एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, तो चलिए इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27. सॉल्व करते हैं हम इसको. देखिए क्या है, 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27. फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, क्या निकालना है, एलसीएम. तो एलसीएम बराबर से क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, नेटर. ओके, सो न्यूमरेटर में क्या क्या है हमारा, 1, 5, 2 एंड 4, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम. ओके, तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं. कैसे निकालते हैं इसका एलसीएम, 1, 5, 2 एंड 4. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 एंड 2 टाइम्स, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 5, 1 एंड 1, देन 5 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1, 1. तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 5, दैट मीन्स 20. ओके, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर. ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आंसर के लिए, फाइनल आंसर के लिए हमें एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का. ओके, तो एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है, 3, 6, 9 एंड 27 का. तो देखिए सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, कैंसिल आउट, देन अगेन 3 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 9 को, 9 टाइम्स, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 27 को, कितने टाइम, 9 टाइम, 27. क्या मिला हमें एचसीएफ, 3. ओके, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3. सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर से एचसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या मिला था, 20, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स 3. तो ये क्या हो गया हमारा, एलसीएम ऑफ दी दिस नंबर, 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9,
64/81 एंड 10/27। ओके, क्या निकालना है हमें? एस सी एफ। सॉल्यूशन बनाते हैं। नंबर्स क्या है हमारे? 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27। तो एस सी एफ का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एस सी एफ का फॉर्मूला होता है एस सी एफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एल सी एम ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है? एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर। एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर में क्या है? 2, 8, 64 and 10। 2, 8, 64 and 10। सबसे छोटा क्या है? 2। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ओके, देन अगेन 2 से किससे को डिवाइड करेंगे? 64 को। कितने टाइम्स? ये जाएगा हमारा 32 टाइम्स। एंड 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 10 को, 5 टाइम्स। तो हमारा एस सी एफ क्या निकल के आया? 2। एस सी एफ कितना मिल गया हमें? 2। ओके, एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर। अब नेक्स्ट क्या हमें? एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा? एल सी एम ऑफ 3, 9, 81 and 27। तो देखिए, एल सी एम निकालते हैं 3, 9, 81 and 27। 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 27 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। अगेन 3 से 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। अगेन 3 से 1, 1, 1 and 1। तो एल सी एम क्या आ गया हमारा? 3 × 3 × 3 × 3, दैट मीन्स 81। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आएगा हमारा एस सी एफ का 2/81। ओके, यही हमारी क्या हो गया? फाइनल आंसर एस सी एफ ऑफ द 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27। तो इस पर भी बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।